हेलो फ्रेंड्स, द कॉन्जरिंग मूवी का ट्रेलर हिंदी में रिलीज़ हो चुका है और इस ट्रेलर को अन्य भाषाओं में भी रिलीज़ किया गया है। तो कॉन्जरिंग ट्रेलर में हम रियल स्टोरी एडिन रॉरन एंड वॉरन 1981 केस के बारे में देखते हैं, जहां एक पर्सन अपने ही लैंडलॉर्ड का खून कर देता है और उसका कहना है उसे कुछ याद नहीं, उसने ये सब डेविल के कहने पर किया और वो प्लेज नॉट गिल्टी है। इस पर्सन का नाम एरिन जॉनसन था, जो अपनी गर्लफ्रेंड डेबी के घर रहने जाता है। डेबी का छोटा भाई डेविड को इस घर में किसी के होने का एहसास होता रहता था। सभी इसको सपना समझकर इग्नोर करने लगे, मगर और डेविड के लिए ये परेशानी का कारण बन चुका था। जब एरिन को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि डेविड बेड पर लेटा हुआ है और अचानक एक हाथ उसे खींचता है। एरिन इसे देखकर चिंतित होता है और उस डेविल को चैलेंज करता है कि वह उसे छोड़कर उसमें आ जाए, जिसके बाद एरिन लैंडलॉर्ड का खून कर देता है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि एरिन एक सुनसान सड़क पर चला जा रहा था और रास्ते में पुलिस अफसर उसे रोककर पूछता है, तो उसका कहना है शायद उसने किसी का मर्डर कर दिया है, क्योंकि उसके कपड़े खून से सने हुए थे और अफसर उसे देखकर हैरान हो जाता है। मर्डर केस में एरिन को पकड़ लिया जाता है और उसका कहना है उसे कुछ याद नहीं, उसने ये सब डेविल के कहने पर किया। एरिन पर कोर्ट ट्रायल चलाया जाता है। कोर्ट में उसे गिल्टी करार दिया जाता है, क्योंकि ये मर्डर उसने सबके सामने लैंडलॉर्ड को कई बार चाकू से गोद कर किया और ये सब दिन में हुआ। एरिन ने इसके लिए कोर्ट में नॉट गिल्टी की अपील भी की थी, मगर उसे गिल्टी करार दिया गया। एरिन का कहना था ये सब उसने केवल के कहने पर किया, उससे छुटकारा पाने पर किया, मगर वह उसकी ज़िंदगी में मुसीबत बनकर आया। ये कानून की नज़र में जुर्म है और कानून भूत को नहीं मानता, कानून सबूत मांगता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडी एंड लॉरेन वॉरन ने इस केस को कोर्ट में ले जाया और डिमोनिक पेशन को साबित करने की कोशिश भी की थी। ये केस इतिहास का पहला ऐसा केस था और ये काफ़ी चर्चा में रहा। इसको मीडिया में भी काफ़ी उछाला गया और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी। लोगों का कहना है ये कपल यानी डेबी और उसका बॉयफ्रेंड एरिन दोनों मिलकर फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हैं, मगर इस केस को एडी और लॉरेन वॉरन काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये केस आम केस की तरह नहीं है, इस केस में कुछ तो अलग है। कोर्ट में अर्नी को द डेविल मेड मी डू इट वाले स्टेटमेंट के बाद 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है, मगर उसके अच्छे बिहेवियर के कारण उसे 5 साल में ही रिहा कर दिया जाता है। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। इस केस को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ईडी एंड लॉरेन वॉरन ने 1981 में इन्वेस्टिगेट किया था।